बच्चों हमारे भारतवर्ष में दो तरह के संगीत प्रचलित हैं, एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। पहला कौन सा था? शास्त्रीय संगीत। और दूसरा है लोक संगीत। ठीक है, तो पहला जो शास्त्रीय संगीत होता है उसकी बहुत सारी गायकी हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है। ठीक है, जैसे ध्रुपद गायकी, धमार गायकी, ठीक है, टप्पा, ठुमरी, खयाल गायकी, सबसे कठिन जो होती है ना खयाल गायकी। ठीक है, और लोक संगीत में भी इसी तरह बहुत सारे रूप प्रचलित हैं। लोक का मतलब होता है संसार, यानी जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर। तो जैसे तुम लोग देखते हो थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग गांव में अलग अलग भाषा बोली जाती है, उसी तरह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जातियों में और अलग अलग अवसरों पे अलग अलग तरह के लोक संगीत गाए जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरह की लोक कलाएं प्रचलित हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की अलग तरह की लोक कलाएं हैं। ठीक है, तुम लोग देखते हो ये डलिया बनाते हो, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो जहां पर जो चीज प्रचलित होती है, अगर अभी आप साउथ में चले जाओ तो वहां नारियल के जूट से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं, हस्तशिल्प उसको कहते हैं। ठीक है, तो संगीत में क्या है, जैसे शादी विवाह होता है तो कौन सा गीत गाते हैं? विवाह संगीत गाते हैं ना, शादियों में बन्ना बन्नी गाते हैं, या कहीं लड़की की शादी हो रही है तो सुहाग गाते हैं, या लड़का जब घोड़े पे चढ़ता है तो घुड़चढ़ी घोड़ी गाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो क्या गाते हैं? सोहार गाते हैं, है ना। तो इसी तरह अलग अलग अवसरों पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में महीने कितने हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो हिंदी के महीनों के नाम आप लोगों को आते हैं ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। ठीक है ना, तो फागुन में होली होती है, फागुन में होली होती है तो हम फाग गाते हैं, चैत में चैती गाते हैं। उसी तरह इस समय कौन सा महीना चल रहा है? सावन चल रहा है, तो सावन के महीने में हम कजरी गीत गाते हैं। ठीक है, सावन के महीने में हम कजरी गीत गाते हैं। और कजरी गीत कैसा होता है, किस तरह से गाया जाता है सावन के महीने में, और क्या क्या होता है सावन के महीने में, क्या क्या होता है ना, मेहंदी लगाते हैं सावन के महीने में, झूले पड़ जाते हैं। ठीक है ना, सावन के महीने में झूले पड़ जाते हैं, लोग झूला झूलते हैं, मेहंदी लगाते हैं, फसलें छोटी 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 छोटी, अभी इस समय आप लोग देखो यहाँ से वहां तक पूरे गांव में जाओ तो सब हरा 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 दिखाई देगा, है ना। इसीलिए सावन में लोग हरे हरे कपड़े पहनते हैं, सावन में लोग हरी हरी चूड़ियां पहनते हैं। ठीक है ना, तो सावनी गीत, सावन में कजली कैसे गाई जाती है उसका एक उदाहरण सुनो, जिससे हम लोग जानते रहे कि कजली किसको कहते हैं, कैसे गाया जाता है। ठीक है,